देख रहे हैं जेएमडी न्यूज, मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। खबरों की ओर बढ़ेंगे उससे पहले डालिए नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम योगी का प्रयागराज दौरा, अक्षयवर्ती परिक्रमा करेंगे सीएम, कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई, जल्द सुनवाई पर हो सकता है फैसला, 5 सदस्यीय खंडपीठ करेगी सुनवाई। फतेहपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान बरामद किया कैश, गाड़ी से 1,20,00,000 रुपए किए बरामद, कानपुर से रुपए लेकर कोलकाता जा रहे थे युवक। और अब खबरें विस्तार से। उन्नाव से बड़ी खबर है जहां जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लालता प्रसाद पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्हीं के कर्मचारियों ने वसूली के साथ साथ लड़की और शराब मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सीएमओ कार्यालय के सभी कर्मचारी लामबंद होकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उन्नाव के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से 24 घंटे में सीएमओ उन्नाव का ट्रांसफर करने की मांग की है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कर्मचारियों ने जब इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया तब सीएमओ साहब अपने कार्यालय में ही थे, लेकिन जैसे ही पत्रकारों के आने का सिलसिला शुरू हुआ और प्रेस वार्ता शुरू हुई, सीएमओ साहब 9:00-11:00 हो गए। वहीं इस मामले में सीएमओ ने बताया कि प्रेम सिंह ने जो आरोप लगाया है वो असत्य है, बेबुनियाद है और निराधार है। मैंने अभी 2 दिन पहले बाबुओं के कार्य में बंटवारा किया, ये उसी को लेकर षड्यंत्र कर रहे हैं। मैं संतोष शर्मा, नगर आयुक्त कानपुर, समस्त महानगरवासियों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। आप सभी अवगत हैं कि हमारा शहर कानपुर स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में प्रतिभाग कर रहा है। मैं सभी महानगरवासियों से अपील करता हूं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएं, नंबर 1 की पोजीशन पे पहुंचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर का गीला कचरा, सूखा कचरा अलग अलग करें, आप कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें और जो कूड़ा लेने के लिए वाहन आ रहा है वहीं पे उसी को कूड़ा दें। कहीं भी खुले में शौच ना करें और ना ही किसी को करने दें, खुले में यूरिनल भी ना जाएं और ना किसी को जाने दें। आपका शहर ODF +++ घोषित होने की दिशा में है। तो सभी शहरवासियों से अपील है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में अपने शहर को सम्मानजनक स्थान दिलाएं। गॉसिप्स के गलियारों का हाल, फिल्मी सितारों की हर वो बात, पर्दे के पीछे की कहानी, हम लाएंगे सिनेमा की जुबानी सिर्फ खबर फिल्मी पर। देखिए शाम 4:30 सिर्फ जेएमडी न्यूज पर। इंडियन हिस्ट्री में पहली बार डेन का डिजिटली महाअवतार, अब आपके मोबाइल में होगा मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर या iOS से डेन टीवी प्लस डाउनलोड करें और अपने मोबाइल को बनाएं चलता फिरता ऑन डिमांड टीवी, ढेर सारे चैनल्स, मूवी ऑन डिमांड। आपका स्वागत है, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहपुर जिले की पुलिस ने 1,20,00,000 रुपए बरामद करने के साथ ही 2 युवकों को हिरासत में लिया है। सदर कोतवाली पुलिस ने ये रुपया उस समय बरामद किया जब वह शहर के लोधीगंज बाईपास के वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी। कार सवार युवक इन रुपयों को कानपुर से लेकर कोलकाता जा रहे थे, पश्चिम बंगाल की नंबर प्लेट लगी बेजरा कार से ले जा रहे थे। इन रुपयों को ले जाने के लिए कार में पिछली सीट के आगे अलग से 2 बॉक्स बनाए गए थे जिनमें भरकर इन
रुपयों को रखा गया था। जिले के पुलिस अधीक्षक का कहना है कि पकड़े गए रुपये कानपुर की मारुति ज्वेलर्स के बताए जा रहे हैं, लेकिन मारुति ज्वेलर्स के लोग अभी तक इन रुपयों के संदर्भ में कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाए हैं। इस बारे में इनकम टैक्स विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। कोतवाली के अंतर्गत दिन में वाहनों की चेकिंग कराई जा रही थी। इसी दौरान लोधीगंज बाईपास पर एक ब्रेजा गाड़ी को जब चेक किया गया तो गाड़ी से 1,20,00,000 रुपए बरामद हुए, जिसमें 2,000 के 60 गड्डी थे। इसमें जब कागज वगैरह पूछताछ की गई तो गाड़ी में सवार दोनों व्यक्ति के द्वारा कोई कागजात नहीं दिखाए गए। ये ज्ञात हुआ कि मारुति ज्वेलर्स नयागंज कानपुर का है, जो कि पश्चिम बंगाल को भेज रहा था। उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनिल राजभर ने पूर्व सैनिकों कल्याण के लिए झांसी के झलकारी बाई कॉम्प्लेक्स में आधुनिक कार्यालय का उद्घाटन किया। राज्य मंत्री ने कहा कि हम पूरे सिस्टम को आधुनिक बनाना चाहते हैं, इसी के अंतर्गत आधुनिक कार्यालय की शुरुआत होने जा रही है। उन्होंने कहा कि देश का जवान जब वापस लौटे तो उसे सम्मानजनक जिंदगी मिले, किसी प्राइवेट संस्था में उसे ना जाना पड़े, अपने पैरों पर खड़ा हो, आत्मनिर्भर बने, अपना व्यापार या उद्योग कर सके। जिस भाव से उसने देश की सेवा की है उनके लिए उसी तरह का हम माहौल देना चाहते हैं। कानपुर के केपीएम अस्पताल में मरीजों की संख्या ज्यादा है, पर सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं। अस्पताल में ना तो ज्यादा जगह और ना ही अस्पताल के पास उसकी कोई पार्किंग, जिसकी वजह से मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पार्किंग न होने की वजह से गाड़ियां रोड पर ही खड़ी रहती हैं, जिसकी वजह से अस्पताल जाने आने वालों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और तो और पास में ही नाली बनी है, जिससे नीचे पाइपलाइन पड़ी है, जिसकी वजह से कई बार अस्पताल में गंदा पानी तक भर जाता है। सीएमएस की माने तो कई बार इस समस्या में शासन को प्रस्ताव भेजे हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। है ये एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है, ना पेशेंट के अटेंडेंट सुनते हैं, वो चौकीदार से लड़ने लगते हैं कि हम गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे। तो हम लोग की अपनी एम्बुलेंस की प्रॉब्लम है, एक ALS इशू हुई थी तो मैंने रिफ्यूज़ कर दी, क्योंकि हमारे यहाँ पार्किंग नहीं है। इवन हम लोग भी माल रोड पे पार्क करके फिर पैदल ही हॉस्पिटल तक डॉक्टर्स आते हैं। और हमारी जो बाहर रोड है तो इस पे जो ड्रेनेज है वो हमेशा चोक रहता है, ओवरफ्लो रहता है, जिसका पानी हमारे हॉस्पिटल के अंदर आता है, तो जिससे बहुत गंदा रहता है, इन्फेक्शन के भी चांसेस हैं। बीती 28 दिसंबर को बृहस्पति महिला डिग्री कॉलेज की प्रबंधक रत्नाकर शुक्ला पर कॉलेज की छात्रा द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोप पर प्रबंधक की पत्नी और कांग्रेस नेत्री उषा रत्नाकर शुक्ला का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के कारण पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के इशारे पर पुलिस ने छात्रा को दबाव में लेकर मामला दर्ज कराया था। इस मामले पर प्रेस वार्ता करके पुलिस और कांग्रेसी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल पर पूरा षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। उषा रत्नाकर शुक्ला ने बताया कि यह घटना राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित थी, जिसमें उनके पति के कंधे पर बंदूक रखकर उनके ऊपर वार किया गया है। उनका महापौर के चुनाव में टिकट होना था, जिसमें 36 लोगों की टीम में से श्री प्रकाश जायसवाल और उनके साथियों द्वारा टिकट काटा गया, जिसका मैंने विरोध किया था, और ये उसी का नतीजा है कि ये घटना करके उनकी राजनीतिक हत्या की है। इस मामले पर उच्चाधिकारियों से न्याय की अपील की गई है, साथ ही इस मामले को बड़े नेताओं के पास भी ले जाने की बात कही गई है। के प्रबंधक हैं, उनके ऊपर आरोप छेड़छाड़ का लगाया गया, और जो FIR जिसमें लिखाई गई थी, उस FIR में जो धारा लगाई गई रत्नाकर जी के ऊपर 354, उसका कोई भी जिक्र नहीं है। FIR के हिसाब से IPC की मैं क्लिपिंग भी लाई हूँ, आप लोगों को दे दूंगी, उसमें 354 बनती ही नहीं है। जब हमने ज़मानत के लिए अपील किया, मतलब अपील किया, और जो ज़मानत हुई है उसमें जज साहब ने भी यही लिखा है कि 354 नहीं बनती है।
लोकसभा चुनावों के मद्देनजर कानपुर शहर से सपा की सीट पर दावेदारी की आशंका विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी की भी नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस में वंदना मिश्रा के दावेदार होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, जिसका नजारा शहर में लगी होर्डिंग्स को देखकर भी समझ में आता है। हालांकि इस मामले में विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा है कि अभी तक कोई दावेदारी नहीं है, पर पार्टी की तरफ से अगर निर्णय लिया जाता है तो उसके लिए वंदना वाजपेयी पूरी तरह से तैयार है। आवेदन पार्टी ने मांगे थे और आवेदन बहुत लोगों ने किए हैं, और सही संख्या तो पार्टी कार्यालय बता पाएगा लखनऊ से, क्योंकि सीधे कार्यालय लखनऊ में आवेदन हुए थे, सही संख्या वो बता पाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि 2019 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरे तौर पे तैयार है। हम लोगों ने अपने बूथ स्तर तक संरचना पूरी कर ली है। देखिए, आज देश के सामने बड़ी समस्या अगर कहीं है तो वो धर्म के नाम पर झगड़े कराए गए, वो एक बड़ी समस्या है। आज देश के सामने झूठे वादे करे गए, उनके खिलाफ चुनाव होने वाला है, क्योंकि जो लोग इंतजार कर रहे थे कि हमारे खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लोग इंतजार कर रहे थे। किसान बेहाल है, नौजवान को भविष्य अंधकार में दिखाई पड़ रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के देश का आगामी चुनाव होने जा रहा है। हर अस्पताल में एक फिजिशियन रीढ़ की हड्डी के समान होता है, जो कि बेहद जरूरी होता है, पर शहर में एक ऐसा अस्पताल है जहां फिजिशियंस की तैनाती नहीं है। दरअसल बिरहाना रोड स्थित केपीएम अस्पताल में ना तो कोई फिजिशियन है और ना ही कोई कार्डियोलॉजिस्ट। सीएमएस डॉक्टर ज्योति सक्सेना ने बताया कि कई बार प्रस्ताव भेज चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। शहर के बीच में बना अस्पताल सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा है, ना तो स्टाफ है और ना ही ज्यादा जगह। मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जबकि अस्पताल में बेड्स की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, और तो और प्रस्ताव भेजने के बावजूद कोई भी सुनवाई नहीं होती। नहीं, हमारे यहाँ पेशेंट्स तो एवरेज आउटडोर में आते हैं 400-500, कभी इससे क्रॉस भी कर जाते हैं। और डॉक्टर्स हमारे यहाँ फिजिशियन नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि फिजिशियन के बगैर तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं चल सकता, वो एक तरह से हॉस्पिटल के बैकबोन है। हमारे स्टाफ नर्सेज की बहुत कमी है, तो कोई भी एक स्टाफ अगर बीमार होती है, कभी इमरजेंसी में छुट्टी लेती है, तो फिर हम लोग को मैनेज करने में बहुत परेशानी होती है। डॉक्टर्स भी हमारे यहाँ ईएमओ की एक पोस्ट खाली है, जूनियर डॉक्टर्स 2-3 हैं, ज़्यादातर सब 55+ डॉक्टर्स हैं, तो हमको उनसे ड्यूटी लेना पड़ रहा है, और सब स्पेशलिस्ट हैं। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर से, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कानपुर से बड़ी खबर, दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने घर में की कई राउंड फायरिंग। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल, घटना घर में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। दो बाइक से 4 दबंग आए थे फायरिंग करने। आपको बता दें, मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। कल्याणपुर के सत्यम विभाग का ये मामला। कानपुर से बड़ी खबर, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि दबंगों ने घर में की कई राउंड फायरिंग। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल, आपको बता दें कि घटना घर में लगी सीसीटीवी में हुई कैद। कानपुर से, जहां दबंगों के हौसले हैं बुलंद। दो बाइक से 4 दबंग आए थे फायरिंग करने। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल सैनी हमसे जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जानना चाहूंगी क्या कुछ है ये पूरा मामला। जी आपको बता दें, घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र सत्यम विहार आवास विकास एक नंबर की है। यहाँ ठेकेदार अपने घर के बाहर खड़ा था, तभी दो बाइकों से 4 युवक आए और ताबड़तोड़ ऊपर ठेकेदार पर फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच पीड़ित ने 100 नंबर डालकर पुलिस को फोन कर दी। मौके पर क्षेत्राधिकारी कल्याणपुर और इंस्पेक्टर कल्याणपुर मैं पहुंच के वहां पर पहुंचे, और आपको बता दें तो सारी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को
से लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। जी, जानना चाहूंगी क्या कुछ वजह बताई जा रही है जिन पर फायरिंग की गई, जिसके घर पर फायरिंग की गई, कौन हो सकते हैं दबंग और क्या कुछ वजह हो सकती है? जी, आपको बता दें, जो पीड़ित का कहना है, पीड़ित ने एक बसपा के पूर्व विधायक पर जो है जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि उनके बसपा के पूर्व विधायक पर विधायक से जो है काफी दिनों से दुश्मनी चल रही है और ये हमला उनके द्वारा करवाया गया है। हालांकि पुलिस ने इस घटना में, पुलिस का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर एप्लीकेशन दी जा रही है, लेकिन अभी हमला ये किसने कराया है, कौन लोग है, ये बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं बड़ी खबर कानपुर से, जहां दबंगों ने घर पर की है कई राउंड फायरिंग। आपको बता दें इस फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है और यह घटना घर में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। और इधर हैलेट में बुधवार को शुरू हुई बच्चों के लिए नई ओपीडी में जागरूकता की कमी की वजह से पहले दिन सिर्फ 6 बच्चे ही आए। डॉक्टर रोली श्रीवास्तव ने बताया कि जागरूकता की कमी है पर धीरे धीरे बच्चे आएंगे। पहले दिन सिर्फ ओवरवेट व ग्रोथ जैसी समस्याओं के बच्चे आए। उन्होंने बताया कि आज के बच्चों में ओवरवेट की समस्या पर टीवी या मोबाइल पर ज्यादा समय देना है, ऐसे में जरूरी है कि बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजें ताकि उनकी एक्सरसाइज भी हो सके। कानपुर के आईआईटी में प्रोफेसर प्रदीप भार्गव ने वायु प्रदूषण पर प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण गंभीर बीमारी है और इसे रोकने के लिए आईआईटी और एलएम के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा सके। उन्होंने बताया कि आईआईटी में कुछ ऐसे उपकरणों को भी तैयार किया जा रहा है जो इस मुहिम में काम आएंगे। मेजरमेंट्स पॉइंट के जरिए हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। पोल्यूशन क्योंकि इतनी गंभीर समस्या है और इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखना चाहते हैं किससे लोगों को अवेयर करें। दूसरी चीज़ होती है कि अवेयरनेस के बाद इसमें कैसे लोग जुड़ सकते हैं। तो जो लोगों ने इस पर रिसर्च करी हुई है, जो लोग इसमें काम कर रहे हैं और जो लोग इसके सोल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं, उनको आपके सामने लाएँ, तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा है, इसमें जो निष्कर्ष निकलते हैं उसको लेकर के आगे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लोगों को, यानी कि गवर्नमेंट को और दूसरे जो हमारे एलम हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करके जो भी यहाँ कर रहे हैं उससे हम आगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पिछले लोकसभा 2014 के चुनावों के बाद से गहरा चुका ईवीएम मशीन विवाद को खत्म करने के लिए कोशिश जारी है, जिसके लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को और हाईटेक किया है और दावा किया है कि वोट का बटन दबाने वाले व्यक्ति को यह संतुष्टि हो जाएगी कि उसने किसको वोट दिया। जहां कानपुर में चुनाव आयोग व नगर निगम अधिकारियों की देखरेख में डेमो दिखाया गया, डेमो के मुताबिक पहले की तरह ईवीएम मशीन है। मशीन से एक एलईडी टीवी स्क्रीन को अटैच किया गया है। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से पारदर्शिता रखी गई है कि जो पहले कंट्रोल यूनिट और ये बैलेट यूनिट और प्लस ये वीवीपैट, तो अब ये नई व्यवस्था चालू की गई है कि वो वहाँ पर बटन दबाने के बाद में वीवीपैट पर एक स्लिप अंदर उसी की फिगर, जो चुनाव चिन्ह होगा उसी की फिगर वीवीपैट पर आ जाएगी। बाहर शीशा लगा हुआ है, उसमें आदमी देख सकता है कि वोट हमने सही जगह पर डाला। और इधर हमीरपुर में अन्ना जानवरों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और जहां नाराज किसानों ने अन्ना जानवरों से परेशान होकर उन्हें तहसील पहुंचा दिया और जानवरों को बंद कर जमकर हंगामा काटा। योगी सरकार ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि गौशाला खुलवाकर अन्ना जानवरों को बंद कराया जाए, लेकिन इसका असर होता नजर नहीं आ रहा है।
आसपास की कुछ गाय छुट्टा हैं जो शहर के अंदर है, कुछ 20-25, वो अभी किसान कुछ उकसाने पर ले आए थे, उन्होंने उनसे बातचीत की गई है और नगर पालिका ईओ को अभी बुलाया गया है और इस तरह की यहाँ उनको बताया गया है कि ये तारबाड़ी करके लोकली आपसी सहयोग से इस तरह की व्यवस्था की जा रही है। सर्दी के मौसम में बढ़ते ब्लड प्रेशर का खतरा आंखों पर भी मंडराने लगा है। दरअसल सर्दी में ब्लड प्रेशर बढ़ने से आंखों का भी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आंखों की तमाम बीमारियां सामने आ रही हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवध दुबे ने बताया कि इस सर्दियों में आंखों की इस समस्या के 15-20% लोग बड़े हैं। रोजाना की ओपीडी में इस तरह के मरीज आते हैं। सर्दियों में आंखों का प्रेशर बढ़ता है, जिससे आंखों में लाली व सिर भारी होता है और कई बार इसे ब्रेन स्ट्रोक या हैमरेज समझकर सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये ग्लूकोमा का भी रूप ले लेता है। ऐसे में सबसे जरूरी है कि सर्दी से बचा जाए, पूरे व गर्म कपड़े पहने, साथ ही खान पान में सादा खाना और मिनरल्स युक्त खाना खाएं। मुख्य बात यह है कि जाड़े में जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है या एक्सपोजर ज्यादा होता है, इससे जो आंख के अंदर की नसें होती हैं जहाँ पे खून दौड़ रहा होता है, वहां पर भी अगर वो प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तो वो वहाँ आँख की नलियाँ भी फट जाती हैं, तो उससे वो खून बाहर आ जाता है और अक्सर फिर वो रोशनी को नुकसान पहुँचाता है। और इसी बीच बड़ी खबर फतेहपुर से, जहाँ चोरों के हौसले बुलंद हैं। फतेहपुर से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद, ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़ कर की चोरी। 3 लाख के जेवरात किए पार, पुलिस जांच में जुटी। चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे का ये मामला, जहां ज्वेलरी की दुकान में ताला तोड़कर चोरों ने की चोरी। आपको बता दें, 3 लाख के जेवरात किए पार और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे का ये मामला, बड़ी खबर फतेहपुर से, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें, ज्वेलरी की दुकान का ताला तोड़कर की चोरी और 3 लाख के जेवरात किए पार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे का ये मामला, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। और इस खबर पर हमसे बात करने के लिए हमारे संवाददाता अमरदीप हमसे जुड़ चुके हैं। जी अमर, जानना चाहूंगे जिस तरह से 3 लाख के जेवरात पार कर दिए हैं चोरों ने, क्या कुछ बताएंगे इस खबर पर हमें? मैं इस खबर पर, मामला ये है कि चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे में रात लाइट जाने के बाद ज्वेलरी की दुकान पर अज्ञात चोरों ने जो है जेवरात पे हाथ साफ कर दिया और बताया तो ये जा रहा है कि लगभग 3 लाख के जेवरातों की चोरी हुई है जाकर के, और पीड़ित दुकानदार ने वर्तमान समय पर जो है पुलिस को सूचना दे दी है और पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। जी जी, जानना चाहूंगी जिस तरह से पुलिस अब जांच में जुट चुकी है, क्या कुछ कहना है पुलिस का इस मामले को लेकर? नहीं, पुलिस का इस मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहना है। सबसे ज्यादा तो उभर कर ग्रामीणों का आक्रोश आ रहा है, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती है चांदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, तो सबसे बड़ा आक्रोश तो पुलिस का नजर आ रहा है जाकर के। पुलिस अभी कुछ भी नहीं है कहने की स्थिति में है। जी जी बिल्कुल, और लगातार जिस तरह से आपने बताया कि चोरियां हो रही है, उसके बावजूद पुलिस इस स्थिति में नहीं है कि कुछ भी कह सके। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, बड़ी खबर हम आपको फतेहपुर से दे रहे थे, जहां चोरों के हौसले बुलंद हैं। आपको बता दें कि ज्वेलरी की दुकान में ताला तोड़कर 3 लाख के जेवरात पार कर दिए और मामले की जांच में जुटी है पुलिस। चांदपुर थाना क्षेत्र के अमौली कस्बे का ये मामला। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेएमडी न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फुल एंटरटेनमेंट, कुछ भी कहीं भी, जब आपके मोबाइल में होगा डेन टीवी।